नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, पहले तो एक ओवरव्यू ले लीजिए मेरे गार्डन का। छत गार्डनिंग है ये, और ये देखिए शानदार मक्के तैयार हो रहे हैं मेरे। गार्डन थोड़ा गंदा भी हो रखा है इस समय, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि बरसात का सीज़न है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, झाड़ झंकार ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं इस समय आई हूँ इस बैगन के पौधे की केयर करने। मैं किस तरह से अपने पौधों की केयर करती हूँ, देखिए कितना शानदार हो रहा है ये पौधा। गर्मियों में बिल्कुल सूख गया था, बट इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जो गार्डन में जो बैग में इसके फालतू की घास उगाई, उसको मैंने हटा दिया है। और परसों मैंने इसमें गुड़ाई की थी, और गुड़ाई करके साइड में मैंने दो केले के छिलके इसको दे दिए थे। मैं दो बार इसमें हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, एक परसों ही ले गई हूँ, उसके एक हफ्ते पहले भी ले गई हूँ। और बैगन बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए अब फिर से तैयारी शुरू है और काफ़ी फ्लावरिंग भी हो रही है। बरसात में आप देख रहे हैं कि देखिए इन पत्तों को कीड़ों ने खा भी लिया है। कई पत्ते देखे मैंने यहाँ पर उठा के फेंक दिए हैं। तो मैं किस तरह से अपने पौधों की का रख रखाव करती हूँ बरसात में, ख़ास तौर से अब जैसे इस समय बरसात का सीज़न है, तो हमें क्या करना है कि अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ बरसात हुई थी, आजकल कुछ माहौल लग नहीं रहा है। तो देखिए मैंने ये रखी है पत्तों की राख। ये राख मुझे पार्क से मिल गई थी, जिसे मैं बटोर लाई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ हैं और काफ़ी न्यूट्रिशंस से भरपूर है ये राख। तो आप इसमें उपले की राख भी ले सकते हैं, वो भी काम करता है। तो एक तो ये काम करता है खाद का भी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, पत्तियाँ हैं, और साथ में काम करता है ये कीड़ों को भगाने के, मारने के लिए। मारता भले ना हो पर भगा देता है, क्योंकि जब इसमें उनको अनकंफर्ट लगता है तो वो ये इसमें बैठते नहीं। अच्छा, इस छिड़काव का इस समय तो दिन का समय है, मेरे को शाम को मौका नहीं है, इसलिए मैं इस समय बना रही हूँ। ये छिड़काव हमको शाम को करना चाहिए, जब देख लें कि बारिश का समय नहीं है, तो बस हम शाम का समय ले लें 6 बजे तक, और तब हम इसको पौधे को अच्छे से नहला दें, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ। देखिए थोड़ा मैंने नहलाया पहले भी है, और अभी भी मैं इस पानी से पौधों को नहला दे रही हूँ। जहाँ जहाँ ये फ्लावरिंग है, यहाँ मिली बग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको अच्छे से गीला कर लेंगे। तो कुछ जिसमें ज़्यादा कीड़े लगे हों उनको हटा देना ही सही रहता है। और इन पत्तियों को अभी मैं बटोर के नीचे ले जाऊंगी, किसी भी हम खाद वगैरह में भी इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह से, और ध्यान देना है दोस्तों कि पत्तियों को जो कीड़े खाते हैं तो उल्टी तरफ से भी खाते हैं, जैसे ये। तो अब इसमें भी हमको उल्टी तरफ भी हमें अच्छे से पत्तियों को गीला कर देना है। इस तरह से नहा भी जा रहे हैं ये। चूँकि एक हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उल्टी तरह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। पत्तों को उल्टी तरह से भी नहला दीजिए। तो जब इस तरह से हम नहला देंगे, तो अब हम करेंगे इस राख का छिड़काव। तो छिड़काव देखिए, ये देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, फूटिंग होने का आसार है, तो ये मैं फ्लावर दे रही हूँ। और उल्टी तरफ पत्तों को ज़रूर से ज़रूर नहला भी दीजिए, और इस तरह से छिड़काव भी कर दीजिए। ये देखिए, तो ये इस तरह से इसको खाद भी मिल रही है पौधों को, और मिल रही है कीड़ों से बचाव के साथ। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, इसे उल्टी तरफ भी मैं यूँ करके लगा दे रही हूँ। देखिए उल्टी तरफ भी लगा दे रही हूँ पत्तों में। उल्टी तरफ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्तियों में उल्टी तरफ ही पहले ये अटैक करते हैं, फिर सामने तो उनको मिल ही जाता है खाने को। तो इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, एक तो हमें राख में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पत्तों को वो गमले में पड़ जाता है, तो गमलों में भी इसका फ़ायदा हो जाता है। साथ में जब हम रात के समय पौधों में इस तरह के नहला के छिड़काव करते हैं, तो पौधे गीले भी होते हैं और प्लस मिट्टी से युक्त भी रहते हैं। तो ऐसा करने से जो मादा कीट होते हैं, वो अंडा देने के लिए, अपने अंडे देने के लिए वो जगह ढूंढती हैं, रात के समय ही ज़्यादातर ढूंढती हैं, रात में शीतलता भी रहती है। तो एक तो गीलापन पाने से पौधों में, और दूसरा तरह से राख रहेगी तो राख से उनको अनकंफर्ट होता है बैठने में, तो वो अपने एग नहीं दे पाती हैं गीला होने के कारण। गीले में उनको अनकंफर्ट लगता है, तो गीला होने के कारण प्लस इस तरह से राख
जैसा मिट्टी देखने के लिए, मिट्टी को देखकर उनको अनकंफर्ट होता है अपने अंडे देने में, तो वो वहाँ से उड़ जाती हैं और हमारा पौधे बच जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से अभी मैं और भी जगह अपने पौधों में राख का छिड़काव करूँगी। पहले इनको अच्छे से नहला दूँगी उल्टे सीधे दोनों तरफ से, और उसके बाद फिर इस तरह से राख का छिड़काव करके हमारे पौधे काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं, साथ में उनको न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं। तो एक पंथ दो काज होता रहता है, और ये हमारी ऑर्गेनिक बागवानी का तरीका है। साथ में अगर आप चाहें तो नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं। लहसुन प्याज के पत्तों को पानी में भिगो के, नीम के पत्तों को पानी में भिगो के भी हम छिड़काव कर सकते हैं। मैं तो डिटॉल के पानी में भी बिल्कुल लाइट बना देती हूँ उसको, पानी काफ़ी मिला के, थोड़ी स्मेल रहे, और उसको भी मैं कभी कभी छिड़काव कर देती हूँ जिससे कीट पतंग आते नहीं। तो अभी तक तो मेरे पौधे काफ़ी सुरक्षित हैं। ये देखिए आप भिंडी उल्टी तरफ भी मैं दिखा रही हूँ, सुरक्षित हैं, ये देखिए साफ़ सुथरे हैं। तो इस तरह से छिड़काव हमें करते रहना चाहिए। ध्यान देना है कि सिर्फ बारिश ना हो, ताकि तुरंत बारिश हो जाएगी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। मुझे भी मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है दोस्तों। तो इस तरह से फिर मैं आपको नए नए वीडियोस भी ला कर देती रहूँगी, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।